प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भावपुर सेक्शन की शुरुआत। ये सेक्शन करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। कार्यक्रम के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। योगी ने कहा, इस सेक्शन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में बन रहे प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचाया जा सकेगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी। सरकार से बात करने के लिए किसान संघ फिर से तैयार। तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग बरकरार। किसान आंदोलन की पंजाब में मोबाइल टावरों पर पड़ रही मार। पंजाब में अब तक 1504 मोबाइल टावरों को पहुंचाया गया नुकसान। शिवसेना नेता संजय राउत ने की प्रेस वार्ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी में बैठे हैं बड़े बड़े सूरमा। 10 साल पुराना केस निकाला ईडी ने। वही आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज नहीं होंगी ईडी के सामने पेश। बीते दिन ईडी ने भेजा था समन। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार गिराने वाले आरोपों पर किया पलटवार। कहा, सरकार गिराने के आरोप को प्रदेश सरकार की कमजोरी छिपाने की कोशिश करार दिया। साथ ही पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने परिपक्व राजनेता है, लेकिन कई बार अफसोस होता है कि वो इन दिनों मानसिक रूप से बीमार है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर या प्रमोशन से नहीं बचेगी ममता सरकार। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर धर्मेगौड़ा ने की खुदकुशी। रेलवे ट्रैक पर मिला गौड़ा का शव। मौके से सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। राजधानी दिल्ली में ठंड के बीच तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण। दिल्ली में हवा की स्थिति फिर हुई खराब। 280 दर्ज किया गया AQI। देश में जारी है सर्दी का सितम। बर्फीली हवाओं की चपेट में कई राज्य कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत। 30 और 31 दिसंबर को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। सफदरजंग में सुबह 3.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग बोला, और गिरेगा पारा। नए साल के जश्न में भूल ना जाए कोरोना की सावधानी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किया अलर्ट। ब्रिटेन के नए स्ट्रेन को लेकर रहे चौकस। देश में नए साल से पहले आई अच्छी खबर। बीते 24 घंटे में मिले 16,000 नए केस। बीते 188 दिनों के बाद सबसे कम देखा गया आंकड़ा। देश में एक्टिव केस में लगातार गिरावट जारी। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर। रिकवरी दर पहली बार हुई 97.3%। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी दर। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री। ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में मिले लक्षण। 3 बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे में मिला मरीज। ब्रिटेन में मिले नए कोरोना स्ट्रेन का भारत में भी दिखा असर। यूरोप और पश्चिम एशिया से लौटे 416 लोगों को मुंबई में किया गया क्वारंटीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवान अनिल तोमर के परिवार को दी आर्थिक सहायता। शहीद जवान परिजनों को 50 लाख और नौकरी। भारत में टेस्ला के व्यापार को लेकर बोले नितिन गडकरी, 2021 से भारत में बिजनेस शुरू करेगी अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला। अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 113 अंकों की तेजी के साथ खुला, तो निफ्टी की भी 37 अंकों की मजबूती के साथ हुई शुरुआत। आज लगातार 22वें दिन देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में 83.71 रुपए पर पेट्रोल तो डीजल 73.86 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया की 200 रनों पर सिमटी दूसरी पारी। रहाणे के शतक से टीम ने दर्ज की जीत। बांग्लादेश में नहीं थम रहा रोहिंग्या मुसलमानों का मामला। बांग्लादेश ने 1776 रोहिंग्या मुसलमानों को नए द्वीप पर किया शिफ्ट। भूकंप के झटकों से दहला सेंट्रल क्रोएशिया। 5.2 की तीव्रता पर रहा भूकंप। राजधानी जागरेब रही भूकंप का केंद्र।